आपने पिछले एपिसोड में देखा कि अनोखे राम पंडित जी की सलाह से कान्हा के संग माखन चोरी करने की बात मान जाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ललिता माई मंदिर में कान्हा को माखन चोरी करने का प्रलोभन देख घर लौट आती है। वह भूरी के माखन से अपने लाला को भोग लगाती है। ले लाला, माखन खा ले। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माई, बहुत भूख लगी है, मुझे भी माखन दे दे खाने को। अरे तू रोज माखन खाने चला आता है, जा भाग, नहीं मिलेगा माखन। माई तू ही तो बुलाती है और फिर भगा देती है, लाला के नाम से ही प्रसाद समझ कर दे दे। माई लड्डू को थोड़ा सा माखन दे देती है। अब लाला का नाम लिया है तो ये ले। लगता है माई आज तेरी धोली को हरी हरी घास खाने को नहीं मिली है। हाँ, अभी धोली को अपने साथ लेकर जाऊंगी घास चराने। आज तूने मुझे माखन दिया है तो तू कहे तो मैं चरा लाऊं तेरी गैया को। कहीं ये मेरी धोली को चराने के बहाने चुरा तो नहीं लेगा ना? माई इतना क्या सोच रही है, नहीं चुराऊंगा तेरी धोली को। अरे ना रे, ऐसी कोई बात ना है, धोली को तो मैं ही चरा लाऊंगी। तो कोई और काम बता दे माई। जो तू काम ही करना चाहता है तो जा सारा आंगन झाड़ू से बुहार दे। अभी ले माई। माई ये ले, हो गया आंगन साफ, अब कहे तो धोली को चरा लाऊं। अरे तू मेरी धोली के पीछे क्यों पड़ा है? मैं ग्वाला हूँ तो मुझे गैया चराना बहुत पसंद है, वैसे भी तेरी धोली मुझे बहुत अच्छी लगती है। धोली को लिए बिना तो ये यहाँ से जाएगा नहीं। माई तेरे लाला की सोगन, धोली को हरी घास चरा कर यहीं लौटा दूंगा। ले ले जा, परंतु समय पर मेरी धोली को लौटा दियो। धोली भी लड्डू के साथ खुशी खुशी चरने चली गई। वह रास्ते में लड्डू से कहती है, प्रभु आप धन्य है, मुझ पर कृपा करके मानो आपने मेरा जीवन ही सफल कर दिया है। मैया आपने मुझे खाने के लिए माखन दिया तो धन्य तो मैं हो गया हूँ। उसी रात श्री कृष्ण अनोखे को दर्शन देते हैं। मित्र अनोखे, कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज पास के गांव ललिता माई के घर माखन चुरा कर खाएंगे, तो चलने को तैयार हो? प्रभु एक बार फिर विचार कर लीजिए, आप कहें तो मैं यहीं आपके लिए माखन ले आता हूँ। अरे तू डरता क्यों है, तू मेरे साथ जा रहा है, अब चल जल्दी। और हाँ, अगर कोई आ जाए तो फुर्ती से भागियो। चलिए प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, परंतु ठाकुर जी आप इस रूप में बाहर गए और किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे प्रभु आपने तो लड्डू का रूप ले लिया, उस बेचारे बालक को तो क्षमा कर दीजिए। मैं और कान्हा कोई अलग नहीं है, मैं स्वयं को संभाल लूंगा, अब जल्दी चलिए। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, वैसे भी अब कोई देखेगा तो यही समझेगा कि लड्डू ने माखन चुराया है। प्रभु आपके भरोसे जा रहा हूँ,
कृपया कर मेरी नैया डूबने मत देना। मैं अपने शरणागत को भव से पार लगा देता हूँ, तो तुम तो मेरे सखा हो, तो तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। दोनों ललिता काकी के घर चुपके से प्रवेश कर जाते हैं। हे प्रभु, ये छीका इतना ऊंचा है, आपके हाथ कैसे आएगा। तुम मुझे अपने कंधे पर उठाकर ऊपर चढ़ा लो, फिर मैं माखन खा लूंगा। ठीक है प्रभु। लड्डू अनोखे के कंधे पर चढ़कर मटकी से माखन खाता है और अनोखे प्रतीक्षा कर रहा होता है कि प्रभु उसे भी माखन खाने को देंगे। अरे प्रभु, माखन कैसा है, थोड़ी कृपा हम पर भी तो कर दो। ये लो, माखन तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। माखन खाते खाते प्रभु को लीला करने की सूझती है। वे जानबूझ माखन की हांडी को नीचे गिराकर तोड़ देते हैं। आवाज सुनकर मैया जाग जाती है। कौन है वहाँ? प्रभु जल्दी नीचे उतरिए, लगता है माई जाग गई है। अरे तू यहाँ माखन चुरा कर खा रहा है, ठहर अभी तुझे बताती हूँ। अरे मैया, मैंने माखन नहीं खाया। झूठ तो ठीक से बोल लिया कर, जो तूने माखन नहीं खाया तो माखन की मटकी नीचे कैसे गिरी। माई मुझ अकेले को क्यों मार रही हो, ये तेरा लाला ही मुझे यहाँ चोरी से माखन खाने के लिए लेकर आया था, उसे भी तो मारो। लाला कहाँ है लाला, झूठ बोलता है, अभी देख तुझे मजा चखाती हूँ। छी 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 मैया, मैं ठाकुर जी का सेवक, भला चोरी क्यों करूँगा, सच कह रहा हूँ, वो ही मुझे यहाँ लाए हैं। मैया बिना कुछ सुने अनोखे को पेड़ से बांध देती है और सुबह पंडित जी को बुलाकर उन्हें सब बात बताती है। मैया तू समझी कुछ, जिन्हें तू प्रतिदिन मंदिर में चोरी का प्रलोभन देकर आती है ना, वे स्वयं तेरे घर कर लाए थे। पंडित जी, पर मैंने तो किसी को नहीं देखा, सिर्फ ये अनोखा ही पकड़ा गया है। तभी दूर से लड्डू आते दिखाई देता है और मैया को उसमें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। मैया हाथ जोड़कर कृष्ण को भाव विभोर हुई देखती रहती है। मैया तू ही तो हर दिन मुझे चोरी का प्रलोभन देती है, तो तेरे द्वार तो मुझे आना ही था। कृष्ण आप तो कृपा निधान है, प्रभु आप इतने दिनों से मेरे सामने ही थे और मैं आपको पहचान ना सकी, मुझे क्षमा कर दीजिए। माई भगवान तो भक्त के दास हैं, मैं तो हर भक्त के वश में हूँ, फिर तू तो मेरी मैया है, तुझे कैसे निराश कर सकता था मेरी माई। अब अनोखे राम को भी क्षमा कर दो माई, ये मेरा सखा मेरे कहने पर ही चोरी करने आया था। इतना कह लड्डू वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है। अब मैया अनोखे को छोड़ देती है और उसे खूब सारा आशीर्वाद देती है। क्यों अनोखे, कैसा रहा प्रभु के साथ चोरी कर माखन खाने का अनुभव। क्षमा करना पंडित जी, हमारे तो धनुषधारी श्री राम ही अच्छे हैं, ये बंसी वाले ने तो पिटवा दिया। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हमेशा ये बात याद रखना अनोखे भाई, दोनों एक ही हैं। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। धन्यवाद।